रमनाथ सिंह भैया ने, मैं आपका दोस्त राव लाजीपुरिया स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मैं आज सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहा था और मैं रास्ते में पृथ्वी चौक पर रुका हूँ, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पृथ्वी चौक पर आज से 1 से 1.5 साल पहले यहाँ पे बहुत जाम लगता था और ये पृथ्वी चौक जो है जाम के नाम से बहुत गंदा मशहूर था कि यार यहाँ पे पृथ्वी चौक पे से मत जाना होंगे, यहाँ पे बहुत गंदा जाम लगता है और यहाँ पे जाम में आदमी एक एक दो दो घंटा तक खड़ा रहता है। लेकिन इस सरकार ने, हमारी बीजेपी की सरकार ने ऐसा कारनामा करके दिखाया कि नोएडा वालों को, ग्रेटर नोएडा वालों को जो रास्ता दिया है उसको उनको गिफ्ट कर दिया, ये वाला ब्रिज बना के तैयार कर दिया। 1 साल के अंदर इतना भव्य निर्माण किया इस पुल का कि 2 साल के अंदर तैयार कर दिया गया इस पुल को और ये ब्रिज नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वालों को जोड़ने के लिए उनको गिफ्ट दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो उद्घाटन हुआ था, ये जो बनकर तैयार हुआ था, ये 2023 में बनकर तैयार हो चुका था और ये ग्रेटर नोएडा को नोएडा से जोड़ता है, जो कि सेक्टर 71 पे जाकर टच होता है। इस पुल ने ऐसा, इस ब्रिज ने ऐसा करके दिया नोएडा वालों के लिए कि जाम की समस्या खत्म होगी। ये सबसे बड़ा गेट है और ये सबसे बड़ा गोल चक्कर है नोएडा का, जो कि पृथ्वी के नाम से बहुत मशहूर है। जब भी आप कभी जाने का मन हो तो प्लीज़ एक बार पृथ्वी चौक गोल चक्कर पे घूम के देखेगा, आपको नज़ारा मिलेगा लंदन पेरिस जैसा। और ये हुआ कैसे, ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ हमारी सरकार में, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में, हमारी बीजेपी सरकार में, जो ये आज हम सब जो जाम से बच रहे हैं, जो हमको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरीके से बड़े बड़े गिफ्ट मिल रहे हैं हमारे को। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए आप, ये आज से 1 से 1.5 साल पहले क्या था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही नोएडा की काया पलट हो गई है। ये पृथ्वी चौक जो ग्रेटर नोएडा जुड़ता है, इसकी काया पलट कर दी है हमारे CM ने, हमारे सरकार ने। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी सरकार अगर ना होती तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे जाम में खड़े होते हम भी यार, और इस बारे में बोल रहे होते कि देखो कैसी सरकार है ये। लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि कितनी अच्छी सरकार है ये, जिसने कि हमारे को पृथ्वी चौक जैसा एक चौक बना के दिया, इतना बढ़िया गेट, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं लंदन या पेरिस में खड़ा हूँ। इतना अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि मैं लंदन पेरिस में खड़ा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है पीछे से, बहुत सुंदर नज़ारा है, वाह कितना विशाल गेट है नोएडा पृथ्वी चौक, जो कि आपको दिल्ली NCR में जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। ये है विशाल, आपके सामने प्रतिमा देख रहे हो, ये विशाल ब्रिज की प्रतिमा है आपके सामने, ये बहुत अच्छा ब्रिज बनाया है ये। इसकी जो चौकी खासियत है ये इसलिए कि हर दिशा को जोड़ता है, ये ग्रेटर नोएडा को जोड़ रहा है, ये आपका इस तरफ चले जाओ सलारपुर भंगली का जोड़ता है, ये आपके पीछे सोरका गांव को जोड़ता है, सेक्टर 71 को जोड़ता है, इधर गाजियाबाद को जोड़ता है। ये चौक ऐसा मेन चौक है कि इससे नोएडा की चारों दिशा में आप जा सकते हो। इसी चौक को आज से जाम का चौक कहा जाता है, लेकिन आज इस चौक में देखो कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, रुकने का नाम ही नहीं है। रुकेंगे क्यों, क्यों? क्योंकि ये हमारे CM ने जो बनवाया है, ये हमारे CM ने बनवा के दिया, ये हमारी सरकार ने बनवा के दिया। तो भैया जब तक रहेगी बीजेपी, आप लोग उम्मीद रखिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा देश चांद पर जाएगा। जब तक ये सरकार रहेगी, ये सरकार मोदी सरकार रहेगी, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों प्लीज़ कभी पृथ्वी चौक पे आइए और हमारे चैनल पे भी आइए। धन्यवाद।